चाउमीन बनाने के लिए हमें लेना है प्याज, गाजर, चुकंदर और मिर्च। जीरा हमें नहीं लेनी है। तेल ले लेना है, चिली सॉस, सोया सॉस और टमाटो सॉस, लहसुन और अदरक, पत्ता गोभी, नमक स्वाद अनुसार। चाउमीन हमने पहले ही रख ली थी। अब गैस ऑन करना है। हम उस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई। कढ़ाई को थोड़ी गर्म होने के बाद उसमें हम डाल देंगे तेल। तेल को गर्म होने के लिए हम छोड़ देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है हम उसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक। ये दोनों को अच्छी तरीके से थोड़ी सी ही फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी कच्चेपन निकल जाए। हमारा जो कढ़ाई है उसमें यह चिपक रही है, तो इसको थोड़ी देर फ्राई होने, जैसे ही फ्राई हो जाती है उसमें हम मिर्च डाल देंगे। मिर्च को भी हल्के से ही फ्राई करनी है। उसके बाद जैसे ही ये फ्राई हो जाती है थोड़ी सी, हम इसे थोड़े से पकाने के बाद इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को भी हमें ज़्यादा देर तक इसे पकाना नहीं है, क्योंकि चाउमीन में सब्जियों को ज़्यादा देर तक हम नहीं पकाते हैं, तो इसे थोड़ी देर तक हम भूंज लेंगे। ये देख सकते हैं आप भूंज रहे। उसके बाद ये जैसे ही भून जाएगी इसको थोड़ी सी पिंक कलर की कलर में ला देनी है। और ये जैसे भून जाती है उसमें हम डाल देंगे पत्ता गोभी। आपको जो भी सब्जियाँ पसंद हो इसमें डाल सकते हैं। हम डाल दिए इसमें पत्ता गोभी। थोड़ी सी इसे भूंज लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम डाल रही हूँ गाजर, चुकंदर। सब्जियाँ ऑप्शनल है, आपको जो सब्जियाँ पसंद है वही डालें। ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ को डालें। सब्जियों को थोड़ी देर के लिए पका लेनी। जैसे ये पक जाएगी हम उसमें डाल देंगे चाउमीन। हम इसमें पहले ही टमाटो सॉस, चिली सॉस ये सब नहीं डाल रहे हैं और ना ही हम इसमें नमक डालें, क्योंकि पहले ही ये सब डालने की वजह से ये पानी छोड़ देती है और उसके बाद चाउमीन हमारे चिपचिपी हो जाते हैं। इसलिए हम पहले नहीं डालें और ना ही आप भी पहले ना डालें। चाउमीन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है। सारी सब्जियाँ इसमें मिक्स हो जाएगी। फिर हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस। इसे मिक्स कर लें। उसके बाद हम ग्रीन चिली, टमाटो सॉस ये सबको डाल के अच्छे तरीके से, फिर हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक को डाल के अच्छे तरीके से मिला लेंगे और उसके बाद हम मिलते हैं बनाने के बाद। ये देख सकते हैं हमारी चाउमीन बन चुकी है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी दिख रही है। अब मैं आपको इसको खा के बताती हूँ कि वाकई में कैसे दिख रही है। तो मैं इसे खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी टेस्ट कैसी है। आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी बनी।